दोस्तों आज मैं आया हूँ चेंबूर के गोल्डन लॉन में। काफ़ी फेमस और काफ़ी पुराना है ये। अंदर चलते, इनका एम्बियंस देखते, इनका फूड चेक करते और आपको बहुत ही खास ऑफर भी देने वाला हूँ मैं। सो दोस्तों मेरे साथ में है राजू शेट्टी, जो कि पूरा का पूरा गोल्डन लाउंज मैनेज करते हैं। जानते हैं उनसे क्या खास बात है गोल्डन लाउंज की और कब से है। सो सर जी मुझे ये बताइए, कितने साल से गोल्डन लाउंज चालू है? हमारा रेस्टोरेंट 1984 से सर। 1984, इतना पुराना है ये? यस सर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन चेंबूर है। क्या बात है। और क्या स्पेशलिटी आपकी यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू गिव? ये मल्टी क्यूजिन डाइनिंग है हमारा। उसके साथ रेस्टोरेंट के साथ हमारा बैंक्वेट हॉल भी है। ओके। दो ओपन लॉन है, ओपन टेरेस है, टेरेस पे भी डाइनिंग होता है। फिर हमारा लाइव गजल है जो हर रोज रहता है। दोस्तों लाइव गजल, मतलब गजल के साथ में खाना मजा आ जाएगा। सो राजू जी मुझे ये बताइए, आज आप मुझे खाने में क्या देने वाले हो? सर मैं आपको इंडियन में तो हमारा बेस्ट जो जाता है चिकन अंगारा मसाला ट्राई करिए। ओके। फिर आपको एक मैं लॉलीपॉप में ट्राई करूंगा। हमारा लॉलीपॉप तो काफी कॉमन चीज है सर। और आप देखिए सर, हमारा प्रेजेंटेशन का स्टाइल बहुत यूनिक है। सो क्या मैं कुछ चीजें बनते हुए किचन में दे सकता हूँ? जरूर जरूर सर। सो दोस्तों चलते किचन की ओर और देखते हैं इनका प्रिपरेशन। सो दोस्तों हम है चेंबूर के गोल्डन लॉन के अंदर और ओए होए होए होए, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। शेफ आपका नाम क्या है? मंगेश वालम। सो मंगेश जी हमारे लिए बना रहे बहुत ही खास आइटम। क्या बन रहा है सर ये? चिकन अंगारा। चिकन अंगारा मसाला। और चिकन देखिए कितना पिंकिश है, एकदम फ्रेश फ्रेश चिकन है ये। क्या बात है दोस्तों, मजा आएगा आज। दोस्तों ये आ रहे सब स्पाइसेस इसके अंदर और ये आ चुका है इसमें मिर्ची। ओए होए। तो शेफ ये डिश कैसा रहने वाला है? तीखा रहने वाला है, मीडियम स्पाइसी रहेगा? चटपटा है। चटपटा है, स्पाइसी और चटपटा। दोस्तों सुन के जमा में पानी आ गया। टमाटो ग्रेवी है दोस्तों, इसमें आ चुकी है अभी टमाटो वाली ग्रेवी। ओए होए। और ये आ चुकी है अनियन ग्रेवी। दोस्तों इसमें आ चुकी है मेरी मनपसंद चीज जिसे हम कहते हैं चीज। और साथ ही साथ में आ रहा है मक्खन। मक्खन मेरे भाई, क्या बात है। और ये है। क्या बात है दोस्तों, क्या आपने कभी चीज, मक्खन और घी साथ में देखा हुआ है? क्या बात है। कश्मीरी पेस्ट है, उसमें कलर आता है। ओके दोस्तों ये आ चुकी है इसमें कश्मीर से आई कश्मीरी पेस्ट। और इससे देख पा रहे हो आप, कलर पूरा चेंज हो गया। ओहो दोस्तों इसमें आ चुका है क्रीम भी। जैसे मैंने कहा काफी थिक एंड काफी रिच ग्रेवी होने वाला है। और आ चुका है इसमें नमक स्वाद अनुसार और साथ साथ नींबू। और ये आ चुका है कोरिएंडर, धनिया जिसे मैं कहता हूँ कोतमीर। क्या बात है शेफ, क्या ये ऑलमोस्ट रेडी है अभी? दोस्तों बस 2 मिनट का इंतजार और बन जाएगा हमारा खाना रेडी। दोस्तों ये हो चुका है हमारा खाना रेडी और ये आ चुका है फूड पैन पे। क्या बात है। अभी शेफ करेंगे अपनी कलाकारी, करेंगे प्रेजेंटेशन अच्छे से और हम चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया में और टेस्ट करते हैं इसे। सो दोस्तों यहाँ पे तो मुझे काफ़ी सारा खाना दिया है, देखते क्या क्या डिश है। शुरुआत करते बहुत ही यूनिक, जैसे स्टार्टिंग में कहा था मुझे, ये है इनके लॉलीपॉप। आप देख सकते हो किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है इसे, बहुत ही यूनिक तरीके से, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। साथ ही साथ में ये कस्टमाइज प्लेटर, एक्चुअल में बहुत ही अलग टाइप का प्लेटर आता है, ये मैंने कस्टमाइज करवाया है। कुछ कुछ पीसेस लिए हैं मैंने खास आपको बताने के लिए। जैसे यहाँ पे है रेशमी कबाब है हमारे पास में, चिकन टिक्का है, साथ में सीख कबाब है, मटन कबाब है और साथ ही साथ में है दोस्तों तंदूरी। और साथ में हम देखते हैं यहाँ पे मेन कोर्स में हमने मंगवाया है, ये है चिकन अंगारा मसाला। साथ ही साथ बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग, ये है पनीर हॉट पैन सॉस। इसके साथ साथ हमारे पास में और एक वेज आइटम है जो कि मेन कोर्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं सब्जी अमृतसरी। और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दिया है हमें ये पॉट राइस। बहुत सारे खाने के साथ में हमें दिया है खाने के लिए यहाँ पे ये नान और ये कुलचा। इसी के साथ में दोस्तों बातें करते यहाँ पे ख़त्म, चलो खाना खाते हैं। दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम इन लॉलीपॉप से। ओए होए ओए होए, यू कैन सी द साइज ऑफ दिस जाइंट लॉलीपॉप। इसको तो मैं ट्राई करने वाला हूँ इस सेजवान चटनी के साथ। ओए होए ओए होए,
इसको तो तोड़ते हैं, बाय बाय। एंड ये लॉलीपॉप को शेजवान चटनी के साथ, दोस्तों गुंडन लाउन का ये स्पेशल वाला लॉलीपॉप जा रहा है मेरे पेट में। काफी क्रिस्पी, नो डाउट, साइज काफी बड़ा है इनका। शेजवान चटनी काफी अलग है, बड़ा यूनिक सा टेस्ट है। नॉर्मली हम शेजवान चटनी खाते ही है, थोड़ा सा अलग है लेकिन मजा आ रहा है खाने। मुंह भर गया मेरा, मजा आ गया। दोस्तों शुरू करते हैं इनके स्पेशल वाला प्लेटर जो कस्टमाइज किया हमारे लिए। ये लेते हैं हम रेशमी कबाब, पहाड़ी कबाब, और ये सीख ले लेते चिकन वाला, और इसको ट्राई करते हैं हम ये ग्रीन वाली पुदीने की चटनी के साथ। ये ले लेते थोड़ा यहाँ पे, सबसे पहले मेरा फेवरेट चिकन सीख। काफ़ी दिनों बाद I was missing the actual taste of chicken seekh. मज़ा आ गया खा के सच में। रेशमी टिक्का देखते, सोचता रहा हूँ पूरा मुंह में डाल दूँ। आई एम स्पीचलेस, मज़ा आया। दोस्तों आपके लिए ऑफर की मैंने बात की थी, बताता हूँ आपको ऑफर क्या है थोड़े टाइम के बाद। मटन सीख कबाब, मटन सीख कबाब की बात करूँ ना मैं, अगर बहुत ही कम जगहों पे, मैं अभी बता रहा हूँ बहुत ही कम जगहों पे सच में आपको अच्छे कबाब मिलते हैं सीख वाले, वो भी मटन के। अभी भी अंदर से जूसी, मज़ा आ गया। मैं तो सोच रहा हूँ ग्रीन चटनी के साथ तो सभी लोग सीख कबाब खाते, एक बार शेजवान चटनी के साथ में खाया जाए, थोड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन है। ये सब चीज़ तो मैंने ट्राई कर ली, ट्राई करते ये अय अय पीस देखो, पीस देखो चिकन का। भाई ज़रा नज़दीक आना, देखते हैं चिकन कैसा है। ओए होए, चिकन तंदूरी लाइक, जहाँ तक मुझे पता है सभी इंडियंस का फेवरेट, मेरा पर्सनल फेवरेट, इसको मैं ट्राई करता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, फाइनली मिल गया भाई, नींबू ढूंढ रहा था मैं। चिकन तंदूरी को फुल लेमन करके, जन्नत है जन्नत, मजा। तंदूरी देखकर आ नहीं जाता। मैं ये स्टार्टर्स खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपको मेन कोर्स पे, और आपको बताता हूँ कुछ खास बात। चलते हैं दोस्तों मेन कोर्स की ओर, और हाँ मेन कोर्स की ओर जाते जाते मुझे कुछ चीज़ बतानी थी आपको, मुझे याद आ गई। गोंडल लाउन चेंबूर के ओनर सुदेश एन शेट्टी, दोस्तों उन्होंने पूरे पैंडेमिक में, जब तक ये कोविड का टाइम अभी भी चालू है, लेकिन जब ये पूरा का पूरा लॉकडाउन था, एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने किसी को हेल्प ना की हो, किसी को खाना ना दिया हो, यहाँ पे कंटिन्यू उन्होंने सबको खाना लाइक देते ही जा रहे थे, सबको काफ़ी हेल्प आउट किया है। दोस्तों चलते मेन कोर्स की ओर। ये है हमारे पास में चिकन अंगारा मसाला, जिसको आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये है अंडा है यहाँ पे बॉयल वाला, और साथ ही साथ में बनाया हुआ, ओए होए ये तो ऐसे ही उठाते, ओहो धुआं देख रहे हो, ये बनते हुए हमने देखा था, क्या बात है दोस्तों, मैंने तो ऑमलेट के ऊपर ही डाल दिया। इसको हम ट्राई करते ये बटर वाले नान के साथ। ये लेते हैं चिकन अंगारा मसाला, जा रहा है मेरे पेट में। जैसे शेफ ने कहा था हमें एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं वो ये बनाना, और चिकन काफ़ी अच्छी तरह से बन गए हैं, यू कैन जस्ट सी, काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे सामने बने तो कच्चा है, प्रॉपरली कुक्ड है, टेस्ट काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है इसका।
मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा अभी यहाँ पे। चलते हैं इनके वेज की ओर। यहाँ पे हमारे पास में है ये पनीर हॉट पैन, हाँ, जिसका हॉट ओहो नीचे देख रहे हो धुआं, क्या बात है क्या बात है। ज़्यादा नहीं लेते हम फिलहाल, तो फिलहाल दो पीस ही लेते हैं और ट्राई करते हैं। सबसे खास बात है इनका पनीर काफ़ी सॉफ्ट होता है यहाँ पे। ओहो यू कैन जस्ट सी, जब मैं ये शूट कर रहे थे हम लोग जब किचन में था, यू कैन जस्ट सी द सॉफ्टनेस ऑफ पनीर। तो मुझे शेफ ने खुद कहा कि यहाँ का पनीर सच में बहुत सॉफ्ट है, यू कैन जस्ट सी। बस ट्राई करते हैं ये पनीर। हल्का टैंगी सा टेस्ट है इसका, स्वीट है, हल्का सा सॉर भी है, मज़ा आ रहा है। ट्राई करते हैं दोस्तों ये इन्होंने का दिया हुआ जो कि है सब्जी अमृतसरी। यू कैन जस्ट सी द ग्रेवी, द थिक ग्रेवी। ओए होए अभी तक गर्म है और जो स्मेल आ रहा है, इसको लेते हैं यहाँ पे। वेज अमृतसरी दोस्तों। हल्का सा स्वीटनेस है, काजू बहुत की ग्रेवी लग रही मुझे, जैसे मैंने कहा वटाना है, काफ़ी सारे अलग अलग ये छोटे से बेबी कॉर्न, काफ़ी अच्छे हेल्दी वेजेस है। मतलब दोस्तों मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ, 1984 से जो लेगेसी लेके चल रहा है, इतना पुराना ब्रांड है, टेस्ट में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सो दोस्तों यहाँ पे है हमारे पास में ये गर्मा गर्म पॉट राइस, यू कैन जस्ट सी, ये चिकन पॉट राइस हमने लिया हुआ है। यू कैन सी द क्रीम ऑप्शन, हाँ 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 भाई दिख रहा है। मैंने जितने भी पॉट राइस खाए हैं वो काफ़ी अलग से, और ये उन सबसे अलग है, क्योंकि आपको भी पता रहेगा कि कलर किस तरह से, जो हमने एक बार पॉट राइस हमने शूट भी किया था वहाँ पे कैसा था और यहाँ पे कैसा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है चिकन है, ऑब्वियसली नॉन वेज है तो चिकन रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे मुझे ओके चिकन के साथ साथ मशरूम्स है। ओके दोस्तों काफ़ी वेजेस एज पॉट राइस है तो डेफिनेटली इसमें जुकीनी एंड बेबी कॉर्न बहुत सारी चीज़ें रहेगी। लेट्स ट्राई द चिकन फर्स्ट। चटका लगा वो बात अलग है, लेकिन भाई टेस्ट मज़ा आया, थोड़ा सा स्वीट वाला टेस्ट है इसका, इट इज़ वेरी स्वीट, लाइक स्वीट टेक्सचर है इसका, बहुत मज़ा आ रहा है। आई डोंट नो कि ये वाइट इन्होंने क्रीम है ये क्या है, मैं पूछूंगा उनसे, बिकॉज ये जब बन रहा था तब मैं दोस्तों सॉरी मैं फ़ोन पे चला गया था। मज़ा आ रहा है बस, अगर ये भर ही दिया तो मैं इसी में खा लेता हूँ। यू कैन सी द हॉट गर्मा गर्म, मेरा पर्सनली जो अगर आप मुझे पूछते हो मुझे पर्सनली क्या पसंद आया, सब्जी अमृतसरी, आई विल रेकमेंड यू कभी भी अगर आप गोल्डन लॉन में आते हो, ये चीज़ 101% आपको मंगानी है ऑल द वेज लवर्स। नॉनवेज की बात करते हो तो ये जो चीज़ है लॉलीपॉप, लॉलीपॉप आपने काफ़ी सारी जगह पे खाया रहेगा, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अलग है, और उसको इसने जो इनकी शेजवान चटनी है, आई पर्सनली लव्ड इट एंड मैं आपको रेकमेंड भी करूँगा। फाइनली दोस्तों जिस चीज़ का आप सभी को इंतज़ार था मैं रिवील करता हूँ अभी। जो भी मुझे सुन रहे हैं, जिनको भी अगर आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हो, एनी पर्सन कमिंग टू गोल्डन लाउंज चेंबूर उनके लिए ऑफर है, यू विल गेट अ स्पेशल डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको कुछ भी मिल सकता है, उसके लिए आपको एक कोड देना है। कोड ये है कि आपको सिर्फ बोलना है कि आपने चलो खाना खाते हैं का वीडियो देखा है। अगर आप इस तरह से बताते हो आपको डेफिनेटली आपके बिल पे डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं और भाविन मिलके ये खाना ख़त्म करते हैं, आपसे बहुत जल्दी बहुत ही अलग जगह पे मिलूँगा नए खाने के साथ में, नए डेस्टिनेशन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ब्लेस्ड।